हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे एक सॉल्व पेपर के बारे में। एक कनिष्ठा का सॉल्व पेपर मैं आपको बताऊंगा आज यहाँ पर। ये पेपर मैंने डाला भी था यहाँ पर और मैंने इसके आंसर की उपलब्ध नहीं करवा पाई थी, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा इसके आंसर की बन रही थी जिसके कारण मैं इसका वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन अब इसकी आंसर की उपलब्ध हो गई है तो मैं आज आपको सॉल्व करके बताऊंगा ये पेपर यहाँ पर। केवल प्रश्न ही प्रश्न नहीं बताऊंगा, क्योंकि कई लोगों ने कमेंट किया कि केवल प्रश्न मत बताइए, उत्तर भी बताइए। चाहे आप वन लाइन में उत्तर बताइए, व्याख्या मत कीजिए, लेकिन उत्तर जरूर बताइए। तो चलिए, अब हमारा प्रयास है कि उत्तर भी जरूर बताया जाएगा आपको। और इस महीने की हमारी जो मंथली मैगजीन है वो मार्केट में आ चुकी है, जिसका नाम एग्जाम प्रैक्टिस उत्तराखंड करंट अफेयर्स है। तो चलिए, पत्रिका के बारे में तो आपको पता ही है, समय बर्बाद ना करते हुए सीधे हम उत्तराखंड के प्रश्नों पर आ जाते हैं। ठीक है, उत्तराखंड के प्रश्नों पर आ जाते हैं। 21वां प्रश्न है, वर्ष 1921 में शिल्पकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन है आपके सामने हरिप्रसाद टमटा, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी और खुशीराम आर्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा हरिप्रसाद टमटा। सरल प्रश्न है, हरिप्रसाद टमटा इसका उत्तर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, उत्तरांचल परिषद का गठन कब हुआ था? चार ऑप्शन है, 1950, 1960, 1970 और 1980। तो इसका सही जवाब है 1970, सी वाला इसका सही जवाब है। और इस उत्तरांचल परिषद का जो गठन हुआ था वो हुआ था नैनीताल में। ध्यान रखेंगे आप, नैनीताल में उत्तरांचल परिषद का गठन हुआ था। 23वां प्रश्न है, कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? सरल है ये प्रश्न भी, भीमताल इसका सही जवाब हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए डायरेक्ट मैंने उत्तर बता दिया है। अब आप लोग ये ना सोचें कि काफ़ी सरल प्रश्न बनाए हैं प्रैक्टिस सेट में। पेपर ऐसा ही सेट होता है, कुछ प्रश्न टफ होते हैं, कुछ सरल होते हैं। सारे प्रश्न अगर टफ बन जाएंगे ऐसा भी नहीं होता है, और सारे प्रश्न सरल हों ऐसा भी नहीं होता है। तो प्रैक्टिस सेट जो हमने बनाया है, इसमें सरल और कठिन प्रश्नों का मिश्रण है। इसलिए ज़रूर आप यहाँ पर हमारी साइट से भी प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, और पत्रिका भी आप लेते रहें। हर महीने यहाँ पर दो प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए, 24वां प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड की प्रथम खनन नीति की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन है, 2000, 2001, 2002 और 2004। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2001। ध्यान रखेंगे बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, ब्राइड एंड कॉर्नर नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? चंपावत, बागेश्वर, मसूरी या अल्मोड़ा? तो उत्तर होगा इसका अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जिले में ब्राइट एंड कॉर्नर नामक प्रसिद्ध स्थान है, और यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है। जब सूर्यास्त होता है या सूर्य उदय होता है तो काफ़ी सुंदर नज़ारा दिखता है। और इंग्लैंड में एक बीच पड़ता है, ठीक है, इंग्लैंड में एक बीच है ब्राइट बीच, ठीक है, ब्राइट बीच के नाम पर ही इसका नाम हुआ है ब्राइट एंड कॉर्नर। ध्यान रखेंगे, ऐसा भी पूछा जा सकता है ब्राइट एंड कॉर्नर नाम जो है वो कहाँ से आया है। तो इंग्लैंड के जो बीच है, इंग्लैंड का एक बीच है, वहाँ पर भी ऐसा ही मतलब बहुत ही अच्छा दृश्य दिखता है वहाँ पर भी, तो जिसके कारण इस स्थान का नाम पड़ा है ब्राइट एंड कॉर्नर, ठीक है। 26वां प्रश्न है, उत्तराखंड का पुरुष साक्षरता में कौन सा स्थान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 13वां स्थान है, ठीक है, 13वां स्थान है। 27वां प्रश्न है, जौनसार के प्रथम कवि किसे कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा, सीधे सीधे बता रहा हूँ, शिवराम, ठीक है। पंडित शिवराम को जौनसार का प्रथम कवि माना जाता है, और इनकी रचना है वीर केसरी, ठीक है, रचना का नाम है वीर केसरी। याद रख सकते हैं आप, शंकर भगवान शिव से मतलब शंकर, शंकर भगवान क्या थे? वीर थे, जहर का प्याला पी लिया था इन्होंने, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये प्रश्न भी पूछा गया है एग्जाम में। 28वां प्रश्न है, होली पर खिचड़ी नृत्य कौन सी जनजाति करती है? 28वां प्रश्न, कौन सी जनजाति करती है? तो ऑप्शन है, इधर है ऑप्शन, थोड़ा इधर आ जाइए आप, राजी, भोटिया, थारू या बोक्सा, ठीक है, कौन सी जनजाति होली पर खिचड़ी नृत्य करती है? तो चार ऑप्शन है आपके सामने, तो उसका सही जवाब हो जाएगा थारू जनजाति, ठीक है, थारू इसका सही जवाब हो जाएगा, सी वाला। 29वां प्रश्न है, उत्तराखंड में बेबसिन कारखाना कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन है, झिरोला, पटवांडा नगर, मोहान, चंडा। ये पटवांडा नगर है, ठीक है, बता दूं आपको, पटवांडा नगर है, और ये पड़ता है आपके नैनीताल जिले में, और इसका सही जवाब भी है पटवांडा नगर। तो बेबसिन कारखाना कहाँ है? पटवांडा नगर में। 30वां प्रश्न है, बैरिस्टर मुकुंदीलाल स्मृति ग्रंथ की रचना किसने की है? ऑप्शन है, भजन सिंह, भक्त दर्शन, मुकुंदीलाल और ललिता प्रसाद नैथानी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भक्त दर्शन। और इसका वास्तविक नाम क्या था, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। मैंने इससे पहले जो टेस्ट सीरीज डाली है वहाँ पर मैंने बताया था कि भक्त दर्शन का वास्तविक नाम कुछ और था, वो नाम क्यों पड़ा, किसने वो नाम दिया और क्यों इन्होंने नाम बदला, सब कुछ बताया था, याद होना चाहिए आपको। 31वां प्रश्न है, कत्यूरी मानसरोवर नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो ऑप्शन है, बलवंत मनराल, गिरिराज साहा, दुर्गा चारण काला और गिरीश तिवारी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बलवंत मनराल।
कत्यूरी मानसरोवर पत्रिका का जो प्रकाशन किया था वो बलवंत मंडरा जी ने किया था। 32वां प्रश्न है, देहरादून में खेल अकादमी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 2000, 2001, 2002 और 2003। तो बताइए जरा कमेंट बॉक्स में आप क्या है इसका सही जवाब। आप भी यहाँ पर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में अगर जवाब देते हैं तो अच्छा रहेगा ये भी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2001 में। अगला है, सीता गुसाई किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन। तो सही जवाब हो जाएगा हॉकी। सीता गुसाई का जो संबंध है वो है हॉकी से। 34वां प्रश्न है, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1914, 1918, 1916 और 1920। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1918। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की जो स्थापना हुई थी 1918 में हुई थी। ठीक है, 35वां प्रश्न है, उत्तराखंड में झपटो छीनो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है 1998, 1997, 1996 और 1999। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए वाला, 1998 में झपटो छीनो आंदोलन शुरू हुआ था और एक वन आंदोलन था। ठीक है, 36वां प्रश्न है, ब्रिटिश कालीन नवा भूमि बंदोबस्त 1863 से 1873 में जो हुआ था किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ऑप्शन है विकेट, बैरन, पॉ या इबर्टसन। तो इसका जो सही जवाब है बताइए जरा आप कमेंट बॉक्स में, थोड़ा आपको भी समय देता हूँ मैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है विकेट। ठीक है, विकेट गिरा दिया इन्होंने। ठीक है, विकेट सही जवाब है। 37वां प्रश्न है, उत्तराखंड में गन्ना उत्पादन में पहला जिला कौन सा है? सीधे सीधे बता देता हूँ, उधम सिंह नगर है। काफ़ी सरल प्रश्न है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो गन्ना उत्पादन में उधम सिंह नगर टॉप में है। 38वां प्रश्न है, यूरोपीय यात्री टॉम कॉरियट किसके शासनकाल में हरिद्वार आया था? ये भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब हो जाएगा सीधे सीधे जहांगीर। यूरोपीय यात्री टॉम कॉरियट जहांगीर के समय क्या हुआ था, हरिद्वार आया था। 39वां प्रश्न है, गुजरदेव मंदिर किस जिले में स्थित है? चंपावत, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा या बागेश्वर? बताइए आप जरा कमेंट बॉक्स में कहाँ है, क्योंकि सरल प्रश्न है ये भी। तो गुजरदेव जो मंदिर है वो स्थित है अल्मोड़ा, अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। 40वां प्रश्न है, कौन सा त्यौहार संतान कल्याण के लिए मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है भिरोली। ये भी काफ़ी घिसा पिटा प्रश्न है, कुछ सरल प्रश्न भी डाले हैं, ऐसा नहीं है कि अभी टफ भी आएंगे। थोड़ा वीडियो का आप जरूर देखें लास्ट तक, टफ प्रश्न भी आएंगे, वहां पर मैं उनको बताऊंगा, जो टफ होंगे उनको एक्सप्लेन जरूर करूंगा। 41वां प्रश्न है, उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सीधे सीधे उत्तर पता होगा आपको, आर बी एस रावत। उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग के प्रथम अध्यक्ष आर बी एस रावत। 42वां प्रश्न है, हिमालयन पुरातत्व व नृवंशीय संग्रहालय श्रीनगर की स्थापना कब हुई थी? तो 1980 में ये स्थापना हुई थी। 43वां प्रश्न है, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन है, रुड़की, श्रीनगर, हरिद्वार, देहरादून। काफ़ी कंफ्यूजिंग प्रश्न हो जाता है ये कई बार, तो बताइए जल्दी से क्या हो सकता है इसका जवाब। तो इसका जो सही जवाब है वो है श्रीनगर। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय कहाँ है? श्रीनगर में। जबकि उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ है? हल्द्वानी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एक प्राविधिक शिक्षा निदेशालय जो प्रश्न में पूछा गया है और एक है उच्च शिक्षा निदेशालय जो कि हल्द्वानी में है। 44वां प्रश्न है, देवभूमि मुस्कान योजना कब शुरू हुई थी? देवभूमि मुस्कान योजना कब शुरू हुई थी? तो उसका सही जवाब हो जाएगा 2009 में ये योजना शुरू हुई थी। 45वां प्रश्न है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को कब डीम्ड विश्वविद्यालय बनाया गया? गुरुकुल कांगड़ी जो विश्वविद्यालय है कब उसको डीम्ड विश्वविद्यालय बनाया गया? तो ऑप्शन है 1962, 65, 75 और 77। तो सही जवाब है 1962। 1962 में इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। 46वां प्रश्न है, उत्तराखंड की विभूतियां पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? उत्तराखंड की विभूतियां 2001 में किसके द्वारा लिखी गई है? आर एस टोलिया, कठौच, शक्ति प्रसाद सकलानी या शेखर पाठक? तो इसका जो सही जवाब है वो है शक्ति प्रसाद सकलानी। शक्ति प्रसाद सकलानी द्वारा उत्तराखंड की विभूतियां पुस्तक लिखी गई। 47वां प्रश्न है, उत्तराखंड शोध संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? चार ऑप्शन है, लीलाधर जगूड़ी, गिरिराज साहा, राजेंद्र धस्माना और शिवानंद नौटियाल। तो बताइए जरा कौन था, थोड़ा कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर सहयोग दें, आप भी बताएं कि क्या हो सकता है इसका उत्तर। तो इसका जो सही उत्तर है यह है गिरिराज साहा। उत्तराखंड शोध संस्थान के जो अध्यक्ष थे, संस्थापक अध्यक्ष, वो थे गिरिराज साहा। 48वां प्रश्न है, हुमला किसका प्राचीन नाम है? तो ऑप्शन है, नेपाल, भूटान, मुनस्यारी या द्वाराहाट। तो ध्यान
देंगे आप। इसका जो सही उत्तर है वो है नेपाल। हुमला किसका प्राचीन नाम है? नेपाल का प्राचीन नाम है, और हुमला एक जिला भी है वर्तमान नेपाल में। अगर आप नेपाल के निवासी हैं तो आपको इसका उत्तर आ जाना चाहिए, और ख़ासकर जो पिथौरागढ़ चंपावत एरिया वाले लोग हैं उनको तो ये उत्तर पता होगा ही। 49वां प्रश्न है, देवगढ़, मीनालगढ़, सुमालीगढ़ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो इसकी मैंने बल्कि ट्रिक भी बताई थी एक बार, अगर आपको ध्यान होगा मैंने इसकी एक बार ट्रिक भी बताई थी। इसका सही जवाब है कोसी की जो सहायक नदियाँ हैं, मैंने इसकी एक ट्रिक भी बताई थी। तो देख सकते हैं आप उस ट्रिक को हमारे और वीडियो में। 50वां प्रश्न है, सुगंध पादप केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सीलाकोई, पंतनगर, नैनीताल या कटारमल। तो इसका सही जवाब होगा सीलाकोई। सीलाकोई में सुगंध पादप केंद्र स्थित है। 51वां प्रश्न है, राज्य आंदोलन में श्रीमती हंसा धनाई एवं बेलमती चौहान किस स्थान पर शहीद हुए थे? खटीमा में, मुजफ्फरनगर में, मसूरी में या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा हंसा धनाई व बेलमती चौहान कहाँ शहीद हुए थे? मसूरी में शहीद हुए थे। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 52वां प्रश्न है, साकरिया देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है? चार ऑप्शन है आपके सामने, इधर देख लीजिए, इधर है जौनसारी, भोटिया, राजी या बुक्सा। तो इसका सही जवाब है डी वाला, बुक्सा। ठीक है, बुक्सा ध्यान रखेंगे आप, साकरिया देवता की पूजा करते हैं बुक्सा। 53वां प्रश्न है, बिश्नी देवी का निधन कब हुआ था? कई बार एग्जाम में निधन भी पूछ लेता है, एक बार गौरा देवी का निधन भी पूछा था। तो मतलब याद रखेंगे आप, जो जो मेन हस्तियां हैं उत्तराखंड की उनका निधन भी आपको याद रखना चाहिए। तो उनका जो निधन हुआ था कब हुआ था? 1974 में हुआ था। सीधे मैंने जवाब बता दिया आपको, 1974 में बिश्नी देवी का निधन हुआ था। 54वां प्रश्न है, रो नहीं आगे बढ़ो का नारा किसने दिया? तुलसी देवी ने, बिश्नी देवी ने, बसंती देवी ने या कुंती देवी ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तुलसी देवी ने रो नहीं आगे बढ़ो का नारा दिया था। 55वां प्रश्न है, छलिया मेला कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ वाले तो इस क्वेश्चन को देख के खुश हो गए होंगे कि छलिया मेला तो पिथौरागढ़ में लगता है, और वैसे भी सरल प्रश्न है, एग्जाम में कई बार आ गया है, और जो पिथौरागढ़ का लड़का होगा या लड़की होगी वो कभी इस प्रश्न को गलत नहीं करेगा। तो छलिया मेला कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ जनपद में। 56वां प्रश्न है, काशीपुर में आम के बाग किस चंद शासक ने लगवाए? ये थोड़ा नया प्रश्न हो सकता है आपके लिए। तो आम के बाग किस चंद शासक ने लगाए आपको बताना है। ऑप्शन है जगत चंद, ज्ञान चंद, उद्योत चंद या कल्याण चंद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उद्योत चंद। सी वाला इसका सही जवाब है उद्योत चंद। अब काशीपुर वाला जो एरिया था काफ़ी गर्म इलाका था, अभी भी गर्म ही है, तो वहाँ पर उद्योत चंद का एक सपना था कि भैया मैं क्या करूँ, वहाँ पर आम के बगीचे लगाऊँ जिससे लोगों को फल भी मिले और छाया भी मिल सके। तो इसलिए वहाँ पर इसने बहुत सारे आम के बगीचे लगवाए थे। तो ध्यान रखेंगे आप, आम के बगीचे उद्योत चंद ने लगाए थे काशीपुर में, और इस आम के बगीचे को अब नागन सती का बाग कहा जाता है। ध्यान रखेंगे आप, जो ये बगीचा है अब इस बगीचे को कहा जाता है अब नागन सती का बाग। ठीक है, नागन सती का बाग नाम से जाना जाता है। अब पूछा जा सकता है कि नागन सती का जो बाग है वो किस चंद शासक के द्वारा लगाया गया? तो उत्तर हो जाएगा फिर आपका उद्योत चंद। 57वां प्रश्न था, चंद्रवंश का वह कौन सा राजा था जिसने अपने दरबार में मुस्लिम लोगों की नियुक्ति करी? महेंद्र चंद, रुद्र चंद, बाजबहादुर चंद या देवी चंद? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सॉरी गोले गोला गलत पे हो गया, बाज बहादुर चंद, ये सी वाला। ठीक है, बाज बहादुर चंद ने अपने दरबार में मुस्लिम लोगों की नियुक्ति की थी। तराई को स्थायी रूप से कुमाऊं में मिलाने वाला शासक कौन था? ऑप्शन है रुद्रचंद, ज्ञानचंद, कल्याणचंद और बाज बहादुर चंद। तो इसका सही जवाब होगा रुद्रचंद। ठीक है, रुद्रचंद ने तराई को स्थायी रूप से कुमाऊं राज्य में मिलाया था। अगला प्रश्न है, रण बहादुर चंद्रिका की रचना किसने की है? 59वां प्रश्न है, किसने करी? हरिराम ने, पातिराम ने, मौलाराम ने या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मौलाराम। मौलाराम ने रण बहादुर चंद्रिका की रचना की है, ये मौलाराम। ठीक है, 60वां प्रश्न है, स्युदी सुप्पा नामक कर किस राजा ने लगाया था? चार ऑप्शन है, पृथ्वीपति शाह, महीपति शाह, मानसा और फतेहपति शाह। तो उसका सही जवाब हो जाएगा फतेहपति शाह। ठीक है, फतेहपति शाह ने स्युदी सुप्पा नामक कर लगाया था। और होता क्या था इस कर में, जिस परिवार में जितनी औरतें हैं उन्हें उतने सुप्पे अनाज के देने होते थे फतेहपति शाह को। इस कर की क्या विशेषता थी? जिस परिवार में जितनी औरतें हैं उनको उतने ही सुप्पे अनाज के भर के देने होंगे,
तो ये था स्यूंदी सुप्पा कर। तो उत्तराखंड के प्रश्नों पर चर्चा की हमने, कैसा लगा आपको ये हमारा प्रैक्टिस सेट जरूर बताएं, और इस चर्चा से आपको कुछ फ़ायदा हुआ, कुछ भी हुआ, मतलब अगर आपको लगता है कि हाँ इस चैनल से आपको फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और दूसरी बात, कुछ लोग सोच रहे होंगे बाकी प्रश्नों के उत्तर नहीं बताए गए, थोड़ा समय का अभाव है, 100 प्रश्नों की व्याख्या नहीं कर पाऊंगा यहाँ पर, लेकिन मैं इस प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ आपको उपलब्ध करवाऊंगा, ठीक है। मैंने कहा था मैं इसकी पीडीएफ उपलब्ध करवाऊंगा, और आज शाम तक या कल सुबह तक आपको हमारे पेज, फेसबुक पेज जीके स्टडी विद बबुआ जी, हमारे फेसबुक पेज का नाम भी यही है, वहाँ पर मैं इसकी पीडीएफ या इसकी स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पर डाल दूंगा। और साथ ही साथ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी और डिस्क्रिप्शन में भी मैं यहाँ पर उसका पीडीएफ डाल दूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तब तक आप खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और बताना चाहूँगा, जो लोग आज पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों तक हमारे चैनल को पहुँचाएँ आप। और जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब लिखा हुआ आएगा और एक बेल का ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा, इस बेल पर भी आपको क्लिक करना है, नहीं तो आप तक हमारी वीडियो नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए पहले सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब के बाद सब्सक्राइब लिखा हुआ आएगा, उसके कुछ सेकंड में, 5-7 सेकंड में घंटी का ऑप्शन खुल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और आपको हमारे सभी वीडियो फिर मिलने लगेंगे। तो मिलते हैं जल्दी आपको ऐसे प्रैक्टिस सेटों के साथ। तो ज़रूर अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में हमें बताते रहें। धन्यवाद।